हेलो नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने लगातार 7वीं बार पाकिस्तान को हरा दिया है और आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि इस मैच के दौरान टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बनाए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और अगर आप टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट पर 335 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और टीम इंडिया के पारी के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने सिर्फ 113 गेंदों में 140 रनों की तूफानी पारी खेली और इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा का यह पाकिस्तान के अगेंस्ट लगातार दूसरा वनडे शतक था। इससे पहले दोस्तों उन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई थी और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट लगातार दो वनडे शतक बनाने वाले टीम इंडिया के पहले बैट्समैन बन गए हैं। और दोस्तों दूसरा रिकॉर्ड विराट कोहली से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों विराट कोहली ने इस मैच के दौरान 65 गेंदों में 77 रनों की तूफानी पारी खेली और इस पारी के दौरान विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में अपने 11,000 रन पूरे कर लिए और 11,000 रन बनाने वाले वह सबसे तेज ओडीआई बैट्समैन बन गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 284 वनडे मैच और 276 इनिंग में 11,000 रन बनाए थे, जबकि कोहली ने सिर्फ 230 वनडे मैच की 222वीं इनिंग में ही 11,000 रन बना लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो फिलहाल इतना ही और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही न्यूज और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।